मेरे बेटे को उसने मार दिया इस जगह। अच्छा। अब उसका कहना है कि मेरे बेटे का दोस्त का कहना है कि उसने स्कूटी से चाबी लेके मारा, लेकिन मुझे ऐसा परिचित नहीं हो रहा कि उससे मारा गया। और बड़ी नोकेली चीज हो सकती थी। हाँ, समय ऐसा लग रहा है कि या तो सुबह होगा या तो पेशकश वगैरह होगा। चाबी, स्कूटी की चाबी उतना अंदर जा नहीं सकता, वो दिल के पास मारा है। रास्ते में ही थी, फिर फोन कह दी कहाँ हो, पहुंचे? मैंने कहा बस पहुंचने वाली हूँ, बताओ ये क्या हो गया, कुछ तो बताओ मुझे कि आखिरकार बात क्या है। कह दी बस आप जल्दी से पहुंच जाओ, मैं बता दूंगा कि क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचने वाली हूँ बस। उसके बाद मैं आधे रास्ते तक पहुँच गई तो उसने फिर फ़ोन करके बताया कि दी अब निकल नहीं रहा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पांडव नगर क्षेत्र में, और आपको बता दें कि यहां से एक और आपराधिक मामला सामने आया है, जहां पर एक 22 वर्षीय लड़के जिसका नाम निखिल बताया जा रहा है, उसको नुकीले हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार से जुड़ते हैं और जानते हैं। इस वक्त मृतक के पिताजी मनोज शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूरा हादसा जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको क्या खबर है, क्या सूचना है, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? सर, कल हम ड्यूटी में थे नोएडा में, होटल फॉर्च्यून में, 7:30 बजे करीब मेरी बेटी और मैं फ़ोन किया कि पापा अब जल्दी आइए। बोले क्या हुआ था, निखिल को उससे झगड़ा हो गया, उसको चोट लग गया है। तो हम बोले वो कहाँ पे है, बोले वो लालबाग हॉस्पिटल में है। तो हम तुरंत जाके मैनेजर साहब को बोले सर मुझे छुट्टी दीजिए, मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बोले ठीक है, बोले कौन हॉस्पिटल जाइएगा, हम कैसे लालबाग, बोले कहाँ पड़ता है, मतलब वो ईस्ट दिल्ली में है। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दी, हम तो वहाँ से ऑटो पकड़ के हम सीधे हॉस्पिटल आए। तो बीच रास्ते में जब हम आ रहे थे तो मेरी बेटी फ़ोन पिछवाड़ के, पापा आप कहाँ पे हैं? हम कहा बेटे बेटी हम रास्ते में है। वो निखिल को क्या हुआ, बोले निखिल डेथ कर गया। तो फिर हम वहीं रोने लगे। हम जब हम हॉस्पिटल आए तो हम बोले तुम्हारे साथ में कोई नहीं है क्या? बोले नहीं, हम अकेले जा रहे हैं। और मेरी बेटी को तबीयत भी बुखार था उनको, वो अकेली चली। उसके बाद उसकी मम्मी आई, उनके बाद हम जाके पहुँच। मेरे जाने के पहले मेरी बेटी और मेरी वाइफ ने जब जाके बच्चे को देखने का कोशिश किया तो वो तो अब मेरी बेटे को उसने नहीं दिखा रहा था। उनके बाद वो फिर जाके कपड़े फाड़ के मेरे बच्चे को उसने देखा। उसमें मेरे जो बेटे का दोस्त था उसकी माँ भी थी और उसका और रिश्तेदार भी थे, सब ने उस बच्चे को देखा। तो उस वक्त मेरी वाइफ का स्टेटमेंट है, उसका कहना है कि जिस वक्त हम गए तो उस वक्त मेरे बेटे का सांस चल रहा था। अच्छा। सांस चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इसका डेथ आने से पहले यहाँ पहले हो चुका है। तो जब ये हादसा हुआ बताया जा रहा है, उनके साथ एक दोस्त भी मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया? हाँ, उन्होंने मुझे इतना बताया, हम सन्नी को जब पूछे हम कि भाई सन्नी ये घटना कैसे घटा, तो बोला अंकल हम दोनों आदमी जा रहे थे घूमने कर, चूँकि उसकी कल छुट्टी थी दोनों का, कॉल सेंटर में दोनों काम करते हैं, छुट्टी थी उनका संडे को। तो दोनों शाम को 6:30 बजे घर से निकल के घूमने चले गए। तो पांडव नगर ठेके के पास, जैसे कि वो लड़के का फर्ज बयान है, मेरे बेटे का दोस्त का फर्ज बयान है, उनके बयान के अनुसार हम आपको कह रहे हैं, वो जब हम गए तो एक पीछे स्कूटी वाला उसको जो दारू पिया हुआ था उसको ठोकर मारता है। इसी में मेरा बेटा बोला कि भाई थोड़ा स्कूटी को ठीक से चलाइए, किसी को चोट वोट लग जाएगा। हाँ, इतने उन्होंने गाली बक दी। गाली बका तो मेरे बेटे बेटा बोला कि भाई गाली क्यों बकते हो, बैठो रुको अभी तुमको हम बताते हैं। इतने उस लड़के ने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद 2-3 लड़के को बुला लिया और उसके बाद इस जो मेरे बेटे का दोस्त था उसको उठा कर पटक दिया रोड पर। उसके साथ भी मारपीट किया, गला दबाने की कोशिश किया, उसने उसको खरोंच आया। और उस बीच बताओ मैं, मेरा बेटा जब बचाने के लिए उसको आया, इसी बीच में मेरे बेटे को उसने मार दिया इस जगह। अच्छा। अब उसका कहना है कि मेरे बेटे का दोस्त का कहना है कि उसने स्कूटी का से चाबी लेके मारा, लेकिन मुझे ऐसा परिचित नहीं हो रहा कि उससे मारा गया। और बड़ी नोकेली चीज़ हो सकती थी। हाँ, समय ऐसा लग रहा है कि या तो सुबह होगा या तो पेशकश वगैरह होगा। कि चाबी, स्कूटी की चाबी उतना अंदर जा नहीं सकता, वो दिल के पास मारा है, यहाँ मारा है, दिल उसका फट गया होगा, जैसा आप तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बताएगी सारा कहानी। उसके बाद हमको बेटे को देखने नहीं दिया, हम कोई पुलिस भी सर वहीं खड़े थे, हम उसको कहे कि मेरा बेटा कहाँ, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा, हम डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर भी बोला भाई कुछ नहीं बताया, बेटा कहाँ, बेटा हम बेटा को देखने के रात में लड़ा, अब तक हम बेटे का दर्शन नहीं किए, मेरा बेटा कैसा किस हालात में है, कैसा है देख नहीं पाए अब तक। अभी तक नहीं देख पाए, अब तक नहीं देख पाए मेरे बेटा कैसा किस हालात में है।
तो अब ऐसे में बताया जा रहा है कि क्या कुछ कार्रवाई की गई, कुछ अभी तक सूचना मिली आपको, किसी को गिरफ्तार किया हो? गिरफ्तार तो अभी नहीं किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। और वो लड़के जो सीसीटीवी फुटेज में जो लड़का वारदात में था, तो उन्होंने उस लड़के को पहचान किया है, लेकिन गाड़ी की पहचान नहीं हो सकी है। अब इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और हम तो यही कहेंगे भारत सरकार से और गृह मंत्रालय से, और हम दिल्ली गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। एक हादसा पहले भी हुआ था जिसके बारे में आप बता रहे हैं? एक घटना इससे 5 साल बिफोर पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ये घटना रुड़की का हुआ था, ये घटना रुड़की की घटना है। और चूंकि ये मेरा बेटे का सेफ्टी प्रोटेक्शन थाने में लिखाया हुआ था, मैं फायर लॉज करवाने के लिए आया, यहाँ फायर लॉज नहीं किया गया, हमको रुड़की भेज दिया गया। ना तो मुझे यहाँ से न्याय मिला, ना तो मुझे वहाँ से न्याय मिला। इस बार की सजा की मांग करते हैं आप आरोपियों के लिए? हम सजा उसको सीधा सजा मौत दिया जाए, फांसी दिया जाए। मेरा दो दो बेटे मेरा साथ चले गया, उनको सजा मौत दिया जाए। निखिल की बहन पायल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, इस हादसे की जानकारी आपको सबसे पहले कैसे मिली थी? मुझे उसके दोस्त का फ़ोन आया था शाम के 7:30 बजे, 7:30-8 बजे करीब, कि दी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने पूछा क्या हो गया, तो कहता दी निखिल को चोट लग गई है, आप जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया बता तो सही, तो उसने कुछ बताया नहीं, बस बोला कि आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैं क्या कहते हैं जल्दी जल्दी से घर से निकली जाने के लिए, रास्ते में ही थी। फिर फ़ोन किया दी कहाँ हो पहुँचे, मैंने कहा बस पहुँचने वाली हूँ, बताओ ये क्या हो गया, कुछ तो बताओ मुझे कि आखिरकार बात क्या है। कह दी बस आप जल्दी से पहुँच जाओ, मैं बता दूँगा कि क्या बात है। मैंने कहा ठीक है मैं पहुँचने वाली हूँ बस। उसके बाद मैं आधे रास्ते तक पहुंच गई, तो उसने फिर फ़ोन करके बताया कि दी अब निखिल नहीं रहा। ये सुनकर उसके बाद मैं वहाँ पहुंची, फिर पीछे पीछे मम्मी भी मेरी आ गई। उन्होंने जाके इमरजेंसी वार्ड में देखा और जगाने की कोशिश की, उसकी छाती पे मारने की कोशिश की, मैंने भी जगाने की। आपने देखा था कि उनको कहाँ चोट लगी, कैसे लगी? हाँ मैंने देखा था। क्या था बताइए ज़रा? हार्ट के पास एक छोटा सा कट है, वहाँ लगी थी, वहाँ पे शायद किसी नुकीली चीज़ से मारा था और उसमें से ब्लड भी जा रहा था। आई थिंक थोड़ा गहरा कट था वो। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, कुछ बताया किसी ने, उनके दोस्त ने कुछ? हाँ बताया, ये उन्होंने कहा कि ये दोनों पैदल कहते हैं घर जा रहे थे त्रिलोकपुरी। उसका जो दोस्त था आशु, वो त्रिलोकपुरी में रहता है, तो उन्होंने पैदल घर जा रहे थे उसके, तो स्कूटी वाले उन्हें आके पीछे से ठोकर मार दी, पी रखी थी ठोकर मार दी। तो इन्होंने बस कहा, उसने उसके दोस्त ने कहा कि भाई थोड़ा देख के चला आराम से। तो इतने में वो पता नहीं क्या हुआ उसको, नहीं हुआ, उसके दोस्त को मारने की कोशिश करने लगा, उसको पकड़ा, उसको उठा के पटक दिया, उसको घसीटने की कोशिश की, घसीटा भी। उसके बाद फिर इसने छुड़ाने की कोशिश की, पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने किसी को फ़ोन किया, किसी को बुलाया। हम दोनों के बीच हाथापाई होगी या गाली गलौज हुआ होगा, उसी बीच उनको मार दिया गया। हाँ फिर उसके उसका उसके दोस्त का गला दबा के काफ़ी देर तक रखा हुआ था। अच्छा, क्या शव को देखा आपने, उसके बाद अभी क्या हुआ है, शव की स्थिति देखी आपने? अभी नहीं देखी है अभी। अपराधियों के लिए किस सजा की मांग करते हैं आप? फांसी होनी चाहिए। अभी तक कोई पकड़ा गया हो, कुछ बताया पुलिस ने? उन दोनों में से तो कोई पकड़ा नहीं गया, बस पहचान हो गई कि हाँ ये दोनों ये हैं। आपको शक है किसी पर? मुझे नहीं है किसी पर शक, क्योंकि इस आसपास में, क्योंकि उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, तो इधर तो कोई है ही नहीं। मेरे फादर बता रहे थे, वो जो देखा फुटेज में कैमरे में, वो से समसपुर के हैं ये शायद, तो वहीं पे उन समसपुर में ही कुछ यही कहा सुनी हुई। ये हुई तो पुल के पास है, जो ठेका है ना यहाँ, वहाँ पे हुई है। तो समसपुर के कुछ 13-14 बंदों को पकड़ के लाया, उनसे पूछताछ की कौन है कौन नहीं है, तो उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं, FIR लॉज भी करा दिया है। तो आपने परिवार के लोगों की बातें सुनी और उससे ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि कितनी मामूली सी बात को लेकर, सिर्फ एक बहस स्कूटी टकराने को लेकर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर परिवार भी काफ़ी ज़्यादा शोकाकुल है और इंसाफ की मांग कर रहा है। उनकी बहन से हमने बात की, उनके पिता से बात की, उनका यही कहना है कि पहले भी जिस प्रकार से उनका एक लड़का ऐसे ही दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ, अब जो उनके दोनों बेटे थे, एक बहन के दोनों भाई थे, एक माँ के दोनों बच्चे थे, वो इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है और कहीं ना कहीं
परिवार भी काफी ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है, शोकाकुल है। अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कठोर कारावास में भेजा जाए। आपको बता दें कि पुलिस ने टीम्स बनाकर अलग अलग एंगल से इस केस की जांच करनी शुरू कर दी है। तमाम सीसीटीवी कैमराज जो मौके पर अवेलेबल थे उनको खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तब तक मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आए दिन राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से छोटी मोटी बातों को लेकर अपराध इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि लोग एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं कतराते। ये जो अपराधियों का वर्चस्व है ये इतना ज्यादा बुलंद हो चुका है कि पुलिस का डर लोगों के मन से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।